हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक पार्ट बनती है, जैसे प्लास्टिक का कंपोनेंट हो गया, कि हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इसको मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, इस पार्ट में क्यों पूरा फिल नहीं हुआ है, क्यों शॉर्ट फिल आ गया है, इसका क्या कारण है, इस हम वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो हम पार्ट बना रहे हैं पूरी तरह से इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करके एक रेडी कर रहे हैं, तो फिर हमारा शॉर्ट मोल्ड क्यों हो जा रहा है। देखिए, जैसे ये पूरा ये शॉर्ट मोल्ड हो गया, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है इसका, कि अगर मान लीजिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको जितना सॉफ्टवेयर देना है, अगर उतना दे रहे हैं और अगर ये नहीं ले पा रहा है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, तो हमारा पार्ट शॉर्ट मोल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोजल को चेक करेंगे कि उसको नोजल जो है जिससे ये मटेरियल फिल हो रहा है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो पार्ट बन रहा है, उसका नोजल लीकेज तो नहीं कर रहा है। अगर लीकेज कर रहा है तो फिर उसको हम चेक करेंगे और सही करेंगे, जिसके द्वारा ये हमारा पार्ट जो शॉर्ट बन रही है वो शॉर्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए इस पार्ट को बनाने के लिए हमको 300 ग्राम का मटेरियल लग रहा है, ठीक, 300 ग्राम मटेरियल दे रहे हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन ये 250 ग्राम ही कंज्यूम कर रहा है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, 250 ग्राम ही ले रहा है। तो इससे हमारा क्या होगा कि मान लीजिए हमारा जो, अगर मान लीजिए हम HRS दिए हुए, हार्ट रन मोल्ड दिए HRTC, तो हमारा उसका टेम्परेचर कम है, इंजेक्शन बराबर नहीं हो रहा है, फिर मोल्ड ठंडा है, जिसके द्वारा हमारा जो उसका मटेरियल चाहिए इंजेक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इंजेक्शन के द्वारा भी इसमें हमारा शॉर्ट मोल्ड हो जाता है, और HRTC अगर दिए हैं उसका टेम्परेचर कम है, जिससे इंजेक्शन बराबर नहीं कर पा रहा है मोल्ड में, जिससे हमारा पार्ट शॉर्ट मोल्ड बन रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन स्पीड दोनों को, हमको इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर दोनों को इंक्रीज करेंगे इस पार्ट के अकॉर्डिंग, कि इस पार्ट को कितना प्रेशर स्पीड से फिल हम कर सकते हैं उतना देंगे, और जो मोल्ड है उसको हम टेम्परेचर दिए हुए हीटिंग करने के लिए HRTC का, तो उसका हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हम इंजेक्शन कर रहे हैं वो तो प्रॉपर उसमें फिल हो सके, इसके कारण जो हमारा पार्ट बन रहा है ये शॉर्ट मोल्ड नहीं बन सकता है। हम आपको ओके कंपोनेंट दिखाते हैं कि ओके पार्ट कौन सा है। ये जो हमारा पार्ट है ये पूरा ओके है, ठीक, ये पूरी फिलिंग हुई हुई है, ये हमारा पार्ट जो बना हुआ है ये ओके कंपोनेंट है, ठीक। ये सॉफ्ट मोल्ड क्यों हो गया है, तो इसके कारण बहुत से होते हैं। अगर मान लीजिए हम इसका टेम्परेचर जितना है टेम्परेचर उतना दिए हुए, लेकिन टेम्परेचर का जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसके द्वारा हमारा बैरल का टेम्परेचर हो गया वो प्रॉपर नहीं ले रहा है, इसे इंजेक्शन करने में ये पूरा मटेरियल इंजेक्शन मोल्ड में नहीं कर पा रहा है, जिसके द्वारा हमारा पार्ट शॉर्ट मोल्ड बन जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मान लीजिए, ठीक, मोल्ड का टेम्परेचर कम हो, MTC हम दिए हुए, MTC जिस किसी मोल्ड में हम साइनिंग के लिए या किसी के लिए हम MTC देते हैं, तो MTC दिए हुए हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मोल्ड हीटिंग ही नहीं हो रही, मोल्ड पूरी कोल्ड है, तो इंजेक्शन पूरा प्रॉपर कैसे होगी, इसके लिए हमारा पार्ट जो होगी वो शॉर्ट मोल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट NRB यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व जो होती है, नॉन रिटर्न वाल्व, वो वाल्व अगर ख़राब है, बराबर वर्क नहीं करे, जो मटेरियल इंजेक्शन कर रहा है वो पीछे की तरफ चला जा रहा है, तो हमारा अगला साथ जो तैयार कर रहा है पार्ट इंजेक्शन कर रही है वो प्रॉपर इंजेक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसके द्वारा हमारा जो पार्ट में बन रहा है वो प्रॉपर फिलिंग होकर नहीं आ रहा है, जिससे हमारा पार्ट शॉर्ट मोल्ड बनने वाला है। तो इसलिए इस पार्ट को जितना शॉर्ट वेट देना है उतना हम देंगे, उतना, जिसके द्वारा हमारा पार्ट शॉर्ट मोल्ड नहीं बनेगा और ओके कर पाएगा।